जिंदगी बड़ी जालिम है ना मेरी जान। किसी को मिलती है शाही दावत तो किसी की रेंगती किस्मत में होती है सिर्फ झूठन। और मेरी नजर में तुम और मैं बिल्कुल बराबर हैं। हम दोनों को ही चाहिए आजादी। होशियार, खबरदार, महाराज पधार रहे हैं। सावधान हो जाओ, महाराज के दर्शन पे कमर झुकी होनी चाहिए और घुटने नीचे। साजू, तुम तो मुझे भूखा ही मार डालोगे। पहले तो महाराज को जवाब दो कि सुबह की सभा से गायब क्यों थे। स्कार किसी को जवाब नहीं देता। स्कार, स्कार, नहीं 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 नहीं, ऐसे मत देख पापी। क्या तुम्हें भूख लगी है जाजू? चलो तुम्हारी शाही हो जाए। तुम मुझे नहीं खा सकते, राज्यसभा के मेंबर को खाना अलाउ नहीं। अरे पापी, वो दुराचारी, अरे क्या कर रहा, शर्म नहीं आती तुझे? देखो तो कौन आया है हम गरीबों के बीच। तुम्हारी भाभी और मैंने तुम्हें सिम्बा के अभिषेक में नहीं देखा। वो आज ही था क्या? शायद दिमाग से निकल गया होगा। मैं जानबूझकर महाराज और महारानी की बेइज्जती कैसे कर सकता हूं? आप तो जानते हैं मैं महारानी की कितनी इज्जत करता हूँ। तुम महाराज के भाई हो, तुम्हें तो कतार में पहले होना चाहिए था। पहला ही था मैं, भूल गए क्या? हमारे अनमोल राजकुमार के आने तक। मुझे पीठ मत दिखाना स्कार। नहीं नहीं मुफासा, तुम मुझे कभी पीठ मत दिखाना। ललकार रहे हो मुझे? मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ दोबारा? अकल ठिकाने आ गई? तुम तो महाराज के पैरों की जूती भी नहीं हो। वैसे अकल से बब्बर शेर तो मैं हूँ जाजू, पर क्योंकि राज तो ताकत से होता है, इसलिए मेरे भैया का राज हमेशा कायम रहे। हमेशा कहाँ स्कार, एक दिन हमारे बेटे का राज होगा, सिम्बा होगा तुम्हारा महाराज। तो महाराज अमर रहे, इसका मैं क्या करूं? महाराज, इस नालायक को तो बरसों पहले गौरव भूमि से निकाल देना चाहिए था। वो मेरा भाई है जाजू, ये उसका भी घर है। जब तक मैं राजा हूँ वो यहीं रहेगा। ये तो घर घर की कहानी है महाराज। और मेरे चचेरे भाई को ले लीजिए, उसे लगता था वो कठफोड़वा है, पेड़ पे चोंच मार मार के खानदान की चोंच कटवा दी नालायक करम बूटा। ओहो, आप निकलिए महाराज, मैं भी आया।